ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शहर के यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को आरोपी बताया गया है। हालांकि किसी के खिलाफ नामजद कोई एफआईआर नहीं है। आपको बता दें, सोमवार को यथार्थ अस्पताल में एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्ची को उसके घर में चोट लगी थी। नाक का ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया दिया गया था। वहीं एनेस्थीसिया की ओवरडोज से बच्ची की मौत होने का की बात परिजन कह रहे हैं। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में ट्विन टावर में रहने वाले सत्येंद्र यादव ने शहर की B2 कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। सत्येंद्र कुमार यादव का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी अतीशा यादव को ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। अतीशा यादव की नाक में चोट लगी थी। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने नर्स ने प्लास्टिक सर्जरी की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी करने से लड़की के नाक पर बिल्कुल निशान नहीं रहेगा। सलाह को उचित मानते हुए प्लास्टिक सर्जरी की अनुमति दे दी गई। सत्येंद्र यादव का कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी से पहले बच्ची पूरी तरह हंस खेल रही थी, लेकिन सर्जरी के कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले को लेकर बच्ची के पिता ने बीटा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है।